देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम की चटनी। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी चटनी बनाने वाली हूँ मैं आज। तो ये मैंने एक आम ही ले ली है, कच्ची है। ये प्याज ले ली है, हरी मिर्च ले ली है, और ये ले लिया है मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। 5-6 कलियाँ हैं लहसुन की, और आमी मुझे आवश्यकता अनुसार लूँगी मैं। इसमें मैं आधी आमी कट करूँगी क्योंकि ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आमी की चटपटी चटनी। अब इन सब चीज़ों को करना है मुझे कट, तो मैं करती हूँ फटाफट से इनको काट ली। तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें काट ली हैं। अब मुझे लेना है एक मिक्सी का जार, और मैं ये सब चीज़ ना इसमें डालने वाला। तो देखिए इस तरह मैंने इसमें ये डाल ली है सारी चीज़ें कट करके, और मैं इसे अब पीस लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह बन गई है ये। मुझे महीन पेस्ट नहीं बनाना था इसका, कुछ दरदरा टाइप का इस तरह मुझे ये सिलबटना की तरह ही मैंने इसमें इसको पीस लिया है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं हम तड़का, उससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। देखिए इधर मैंने ले ली कढ़ाई, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। तेल हो गया है गरम, और मुझे डालना है इसमें हींग और जीरा। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया, और ये है देगी मिर्च, क्योंकि इससे ना कलर अच्छा आ जाएगा देगी मिर्च से। इसके बाद मैं डालूंगी जो चटनी हमने बनाई थी उसको। तो देखिए मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर ये डाल दिया है, और मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी इसमें नमक, और इसे मैं ना चला दूंगी। तो देगी मिर्च से ना इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और हींग जीरे के छांव से इसमें टेस्ट बढ़ जाता है गाइस। चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में, और आप लोग खाइए पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। देखिए कुछ इस तरह बनाई है ये चटनी। तो हमें इसको चलाते रहना है जब तक ये प्याज है ना, प्याज का पानी ना इसमें से जल जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। ये तेल इसमें दिखने लगेगा, तो समझ लीजिए आपकी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी चटनी ये बनके हो गई है तैयार, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह ये चटनी बनके हो गई तैयार। कितना अच्छा लुक आ रहा है ना इसका, जितना अच्छा लुक है ना इसका उतनी ही अच्छी ये खाने में लगती है गाइस। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप इस चटनी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।